हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर स्टॉक। और आज हमारे साथ हैं गेट के 11 रैंक हासिल करने वाले मिस्टर विनीत जैन। इन्होंने गेट में 11 रैंक हासिल किया इस साल, हालांकि इन्होंने पिछले साल भी गेट में 28 रैंक हासिल किया था। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं मिस्टर विनीत जैन से। सो मिस्टर विनीत जैन, वेलकम टू द टॉपर स्टॉक एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस रैंक 11। थैंक यू सर। तो देखते हैं कि इन्होंने अपनी पूरे प्रिपरेशन की जर्नी को किस तरीके से लिया था। सो हर एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो तैयारी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। जरा बात करते हैं एक बार विनीत जैन सर, पूछते हैं कि इनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक यूनिफॉर्म रास्ते पर रही या फिर अप्स एंड डाउन्स इन्होंने भी फेस किया है। सो मिस्टर विनीत जैन, आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही ओवरऑल? तो सर, जर्नी तो अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, मतलब क्योंकि मैं कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहा था तो कॉलेज का भी देखना होता है और साथ में प्रिपरेशन भी, पर मेरा मेन प्रायोरिटी प्रिपरेशन ही था। तो मैंने मतलब जर्नी में सबसे पहले तो अपने बेसिक सब्जेक्ट्स जो जरूरी होते हैं वो सब अच्छे से किए, और उनमें भी मतलब कई बार ऐसे डिमोटिवेशन आ जाती थी क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या टेस्ट में नंबर कम आ रहे, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, तो आई गेस कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, तो वो ही मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा लास्ट का। ओके, सो मिस्टर विनीत जैन एक्चुअली बिलोंग करते हैं IIT पलक्कड़ से। इन्होंने थर्ड ईयर में गेट लिखा था और इन्होंने हासिल किया था 28th रैंक, और अभी ये फोर्थ ईयर में हैं, अभी भी कॉलेज के अंदर ही हैं ये, और इनका रैंक आया है 11। सो आप सबसे पहले इनकी जर्नी से मोटिवेट हो सकते हैं कि आप सोचिए कि ये कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करके इतना अच्छा रैंक हासिल किए हैं। सो मैं देखता हूँ कि इन्होंने रिसोर्सेस क्या क्या यूज किए हैं। सो मिस्टर विनीत, आप बताएं कि जब आपने तैयारी करनी शुरू की तो आपने किस तरीके से सोर्सेस का इस्तेमाल किया, क्या उसका सीक्वेंस और क्या क्या सोर्सेस थे जो आप यूज कर रहे थे? तो सर, सबसे पहले तो मेरे क्लास नोट्स जो मैंने मतलब खुद हैंड रिटन बनाए थे, मैंने ऐसे किसी और के नोट्स फॉलो नहीं करे, तो खुद के नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया था। दूसरा होता है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स लगाए थे मैंने, और एट द एंड टेस्ट सीरीज, यही तीन चीज मैंने रिलीजियसली फॉलो करी थी मल्टीपल टाइम्स, तो आई गेस यही इनफ है। आप, मैं आपके जरिए से हर एक स्टूडेंट को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी से भी बात करें तो जो सीक्वेंस है, जो रास्ता है, जो सक्सेस का रास्ता निकलता है ESE गेट के लिए, वो एक्चुअली इस तीन रेफरेंस से होकर गुजरता है। सबसे पहला नोट्स, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर बुकलेट्स, और उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का रोल आपके लिए कैसा रहा था? कि टेस्ट सीरीज में कई बार एक कॉमन सी चीजें आती है मिस्टर विनीत, कि बच्चे कई बार अप्स एंड डाउन्स फील करते हैं, और बेसिकली अप्स में तो बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा रैंक आया, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि कई बार अपने मिस्टेक्स, अपने डाउनफॉल के साथ बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जब तैयारी की तो आपने भी कई बार डाउनफॉल शायद फेस किया होगा, मिस्टेक्स होते होंगे, और मिस्टेक वाले टाइम पे बच्चे जनरली डीमोटिवेट होते हैं, और वहीं पर उनको लगता है कि अपना फ्लो का जो उनका उन्होंने फ्लो बना रखा होता है उसको वो ब्रेक करते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। तो आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपने इस सिचुएशन को, जब आपने आपके लाइफ में आया होगा तो आपने उस टाइमिंग को कैसे हैंडल किया था? तो सर, ये तो होता ही है मतलब सबके साथ, तो सबसे पहले तो मतलब मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था, मैंने टेस्ट थोड़े जल्दी स्टार्ट कर दिए, मतलब क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना कि फुल टेस्ट जनवरी में स्टार्ट करते हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट का टाइम ही नहीं मिल पाता, वो 4-5 टेस्ट लिखते हैं जनवरी एंड तक और फेब में पेपर आ जाते हैं, तो मतलब मैंने नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग से अपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे गेट के लिए, तो मतलब मेरे को कंप्लीट 2.5 मंथ्स मिला था अपने गेट के फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए। तो उसमें मैं मतलब जैसे जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे वो मैं ट्राई करता था कि मैं दोबारा एक बार सॉल्व करके देख लूँ, एटलीस्ट अगर कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन आ जा रहा है तो मतलब फिर मैं देख लेता था कि वो अगर किसी से भी नहीं हुआ है तो मतलब ऐसा इररिलेवेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं टेस्ट में, तो उनको मैं इग्नोर करता था। अगर कोई क्वेश्चन होता है जैसे जिसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा ट्राई करता था कि ये आगे से गलत ना, पर मतलब वो ये कि टेस्ट देते रहना है, कि अगर गलतियां भी हो रही हैं तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही एक तरह से तुमको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा जितना तुम टेस्ट हो। देखो, बहुत अच्छी बात कही विनीत ने कि जो टेस्ट देते हैं या फिर कहीं से भी जो किसी भी रेफरेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान मिस्टेक्स बहुत ही ऑब्वियस है, और मिस्टेक्स के टाइम पे एक्चुअली लर्निंग फेज होता है, कि आप वहां पे अगर आपने मिस्टेक किए तो आप लर्न करते हो, सीखते हो वहां पे। तो वहां पे हमें क्या करना है कि हमें हमेशा आईज ओपन रखने सीखना है, और वहां से जो भी सीखना है, जो भी आपने सीखा है उसको बार बार मेहनत करने से अगर इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट दोबारा अपीयर हुआ तो आप उसको इजिली एनकाउंटर कर देते हो। इसलिए मिस्टेक्स के ऊपर वर्कआउट करना है, ना कि डीमोटिवेट होना है। आप इस चीज को सीख सकते हैं विनीत की स्टोरी के साथ। ओके, सो विनीत, आप मुझे ये बताइए कि
रिवीजन आपने किस तरीके से किया, क्योंकि रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे तो 1 साल या फिर कुछ महीनों के अंदर बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ने पड़ते हैं गेट या ESE की तैयारी के लिए। आपने भी पढ़े होंगे, और वहां पर रिवीजन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रिवीजन का स्ट्रैटेजी प्रॉपर ना हुआ तो फिर तैयारी खराब होने लग जाती है। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था, आपने कैसे फॉलो किया? तो सर, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज भी रिवीजन की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। मतलब अगर आप सोम का नोट्स पढ़ते रहोगे बार बार तो वो हेल्प नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि सोम बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड उसमें से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो जैसे सोम था तो सोम के लिए मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। जैसे हाईवे हो गया तो हाईवे में मोस्टली फॉर्मूलेज ही हैं, कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं है। तो हाईवे वगैरह के लिए मैं फॉर्मूले या सर्वे के लिए मैं फॉर्मूले ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करता था, अपने नोट्स रिवाइज करता था। और एक चीज को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेता था, मतलब एक दिन में जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ रिवाइज कर लिए। ये नहीं है कि 3 4 दिन सिर्फ सोइल में ही लगा दिया, 4 5 दिन सिर्फ सोम में लगा दिया। तो उससे मेरा जो कहीं एक सब्जेक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम से पहले रिवाइज हो गया था। और जैसे इस साल मैंने ES के लिए फुल फ्लेज तैयारी करी थी, तो मैंने जैसे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, TMC हो गया या फिर स्टील के कोडल प्रोविजंस, तो उस पर ज्यादा फोकस किया था। क्योंकि लास्ट ईयर गेट तो हो ही गया था, तो उसमें न्यूमेरिकल में इतने इश्यूज नहीं थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप जब रिवीजन कर रहे थे तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रख रहे थे कि जो पर डे का शेड्यूल बन रहा था आपका, आप उसमें हमेशा मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहे थे। ठीक है, देखो आप स्टूडेंट्स को मैं एक बात आपके जरिए से बताना चाहता हूं कि तैयारी के दौर में कभी भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट को लेकर के हमें लगातार एक ही पे वर्कआउट ना करके हमें हमेशा मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ कैरी करना चाहिए, ताकि कई सारे सब्जेक्ट्स एक साथ रिवाइज हो रहे हों। ऐसा करने से आप ज्यादा सब्जेक्ट को ज्यादा दिन तक इजिली कैरी कर पाते हैं, जो कि इनका स्ट्रैटेजी था, कि जो कि बहुत राइट ट्रैक पे थे ये। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो रैंक हासिल किया, जो अचीव किया है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होगा। बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं, इस रैंक को हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप में वो कौन सी खास बात है जो बाकी सबसे अलग है, जिसकी वजह से आपने इस रैंक को हासिल किया है, तो आपको क्या लगता है? सर, खास बात तो ऐसे सब में कुछ ना कुछ होती है। तो मुझे जो लगता है, मतलब मैं कंसिस्टेंट हूँ। अगर मैंने सोच लिया कि ये एग्जाम मेरे को क्लियर करना है, तो उस जब तक आखिरी दिन तक मैं पढ़ाई करिए 11 तारीख तक, तो मतलब ऐसे ब्रेक नहीं लिया मैंने ज्यादा। जैसे कई बच्चे होते हैं कि एक थोड़े दिन पढ़े और फिर 2 3 दिन बाद ब्रेक ले लिया, तो वो चीज़ नहीं थी। रेगुलर चाहे 2 3 दिन मतलब कम पढ़ाई करूँ, पर डेली मैंने पढ़ाया थोड़ा। तो कंसिस्टेंसी आई गेस इज द की। ओके, वेरी वेरी गुड। सो देखो, इन्होंने आपको बताया एक चीज कि कंसिस्टेंसी इनका की टू सक्सेस है। बेसिकली कंसिस्टेंसी, आप इन्होंने फ्लो को ब्रेक ना करके हमेशा कंसिस्टेंट बने रहे, ठीक है, कभी भी फ्लो को ब्रेक नहीं किया, और कंसिस्टेंसी ही इंसान को एक्चुअली एंड के रिजल्ट तक लेके जाता है। तो ये तैयारी एक्चुअली बहुत ही लेबोरियस है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ ये तैयारी होती है। तो आपको कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखना चाहिए अप टू द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। वेरी गुड। सो एक चीज और जो मैं आपसे कहूंगा विनीत, कि अपने एंड से क्या आप अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, यही मैसेज है लास्ट तो, कि लगे रहो, पेपर तो मतलब निकल ही जाएगा। पहली बात तो सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, और अपने आप पे फेथ रखो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। डीमोटिवेशन तो टॉपर्स के साथ भी होता ही है, क्योंकि टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते तो हमको भी डीमोटिवेशन होता है। पर उसी को एज ए पॉजिटिव देखो कि मेरी रैंक कितनी आ रही है। मतलब कि अगर रैंक कम भी आ रही है तो मेरे से नीचे भी काफी बच्चे हैं, मतलब मैं ठीक हूँ। तो वही चीज को मोटिवेशन बना के और एंड डे तक लगे रहो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दोबारा खाली गेट तो है नहीं, और भी एग्जाम आते रहेंगे उसके बाद भी, तो मतलब लगे रहना पड़ेगा। तो वही है कि लास्ट तक कर लगे रहोगे तो हो ही जाएगा, एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है विनीत ने। तो आप देखें कि कभी भी आपको अगर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, और वहां से सीखना है, वहां से आगे बढ़ना है, और हमेशा हमें अपने मिस्टेक से, अपने डाउनफॉल से सीख करके आगे बढ़ते चले जाना है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और इस तरीके से तैयारी को पूरा किया इन्होंने, इन्होंने अपनी जर्नी की पूरी की और इन्होंने इतना रैंक हासिल किया है। सो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ सेशन को, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर विनीत फॉर ज्वाइनिंग अस हियर इन दिस टॉपर स्टॉक, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी अहेड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन। थैंक यू।